क्या हुमनाबाद की तरह यहाँ पर वेट करने का है? उन्हें अर्जी लेने के लिए थोड़ा बुलाइए उनको। बर्कर बर्कर केंद्र सरकार रचे अधिकारा वाली केंद्र राज्य सरकार रचे योगी सरकार रखे अधिकारा उत्तर प्रदेश योगी सरकार रखे अधिकारा असदुद्दीन ओवैसी साहब तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है असदुद्दीन ओवैसी साहब तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है केंद्र राज्य सरकार रखे अधिकारा केंद्र राज्य सरकार रखे अधिकारा आप तमाम लोग जानते हैं आज ये जो प्रतिघटना रैली निकाली गई है इसका विषय है भारत के संसद अवार्डी नखीब-ए-मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर यूपी में एक खातिराना हमला हुआ है। सबसे पहले सिर्फ हम ही नहीं पूरी देश की जनता हर सेकुलर आदमी इसका खंडन करता है। एमआईएम यूनिट इसकी पुरजोर मजम्मत करती है। हम इस रैली के माध्यम से सरकार को ये बात बताना चाहते हैं कि यह कैसा लॉ एंड ऑर्डर है कि यहाँ गुंडे पनप रहे हैं। जिस सरकार का चीफ मिनिस्टर खुद ठोकने और ठुकाने की बात करता है वहाँ के गुंडों को किस बात का डर होगा। मैं समझता हूँ कि जो शूटर्स थे उनके फोटोज चीफ मिनिस्टर योगी के साथ वायरल हुए हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इस साजिश के पीछे इस खातिराना हमले के पीछे जो चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी का हाथ है। मैं केंद्र सरकार से राष्ट्रपति से वजीर आजम से इस बात का डिमांड करता हूँ कि ये जो खातिराना हमला हुआ है वो निंदनीय है और इसकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। सिर्फ दो लोगों को अरेस्ट करने से कुछ होने वाला नहीं है। इसके पीछे क्या मुहरिकात हैं, कौन सी ज़हनियत है जो उनको हमला कर रहे जो उनको ख़त्म करना चाहता है। दरअसल वो असदुद्दीन ओवैसी को नहीं बल्कि मुसलमानों की आवाज़ को दलितों की आवाज़ को और बैकवर्ड क्लासेस की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। जब शुरू शुरू में असदुद्दीन ओवैसी जब पॉपुलर हो रहे थे तो बीजेपी को ऐसा लग रहा था जितना ओवैसी साहब पॉपुलर होंगे उतना हमारा फायदा है, ये सेकुलर रोड काटते रहेंगे और हमको इख्तदार मिलता रहेगा। लेकिन ये पॉपुलरिटी जब इस हद तक बढ़ गई कि अब वो खुद हुकूमत में आने के काबिल बन गए। भाग्यधारी परिवर्तन मोर्चा बनाकर असद ओवैसी ने यूपी में एक धमाका कर दिया और दलितों को बैकवर्ड क्लास के लोगों को सबको अपने साथ लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने वहाँ जो यूपी में काम किया है उसको अब यूपी का पूरा इलेक्शन का माहौल बदल चुका है। सारे के सारे लोग भाग्यधारी परिवर्तन मोर्चा की तरफ आ गए हैं। ये देखते हुए बीजेपी अपने होश खो बैठी है जो वो हुकूमत में थी और ये दावा कर रही थी कि दोबारा वही हुकूमत में आएगी, लेकिन वो अब हुकूमत में दोबारा आने से खासिर है। इसलिए उन्होंने ये घिनौनी हरकत की है, हम इसका खंडन करते हैं। आज के मेमोरेंडम के माध्यम से हम यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो लोग ये इस हरकत में मुलविस हैं UAPA का एक्ट उन्हें लगाया जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। कफील जो ऑक्सीजन की कमी के ऊपर डॉक्टर कफील यूपी में जो है ना अगर आवाज़ उठाता है तो उसके ऊपर UAPA लगा दिया जाता है, लेकिन एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर दिन दहाड़े रोड के ऊपर ऐसी जगह पर जहाँ पर कैमरे फिट हैं वहाँ पर जो है ना अगर हमला करता है तो उसके ऊपर UAPA क्यों नहीं लगाया जाता। और जब हुकूमत असदुद्दीन ओवैसी साहब को जेड प्लस सिक्योरिटी देने की बात कही तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मेरी सिक्योरिटी से कुछ होने वाला नहीं है, पूरे मुल्क भारत में ऐसा माहौल बनना चाहिए
कि हर आदमी को सिक्योरिटी प्रोवाइड हो। ये तभी मुमकिन है जब गुंडों का खात्मा होगा, जब सारे गुंडे खत्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर भी बीजेपी की हुकूमत है वहाँ पर ये गुंडों के हौसले बढ़ रहे हैं, ये जो मनवादी लोग हैं इनके हौसले बढ़ रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन के मामलात हो रहे हैं। यहाँ कर्नाटक की भी मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी यही हाल है। कुछ ही दिनों में हम देख रहे हैं कि कई एक वाक्यात डिस्क्रिमिनेशन के हुए हैं। यहाँ रायचूर में बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो को, जब फ्लैग हास्टिंग का टाइम था, वहाँ के जज ने फोटो को हटा कर उनको अपमानित किया, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के सर्कुलर से हर डिपार्टमेंट को के महात्मा गांधी के साथ बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो भी होना चाहिए। लेकिन उस जज ने यह कहकर के उनके पास कोई ऑर्डर नहीं है, उसको एक अलग ऑर्डर होना था। आज मैं बड़ी खुशी से कहूँगा कि कल ही चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका ने एक सर्कुलर पास किया है जिसमें उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो को हर कौमी फंक्शन के ऊपर लगाकर उनको जो है ना सम्मान देने का जो है ना बात कही है। मैं उसका वेलकम करता हूँ। और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, संविधान ने हमको तमाम नागरिकों को बराबरी का हक दिया है। आर्टिकल 14 सभी लोगों को बराबरी का हक देती है। इसमें कोई छोटा कोई बड़ा, कोई गोरा कोई काला, कोई किसी मजहब का, कोई हिंदू कोई मुस्लिम, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ कर्नाटक में पहले उडुपी में जो है ना मुस्लिम लड़कियों को वहाँ पर जो है ना हिजाब पहनकर आने वाली लड़कियों को वहाँ पर स्कूल में आने से मना किया गया। और दो दिन पहले अब देखा गया कि मैंगलोर के पास कोंडापुर जमीन मुकाम के ऊपर भी लड़कियों को जो है ना कॉलेज में दाखिल होने से रोका गया। ये संवैधानिक नहीं है, ये असंवैधानिक काम है। ऐसे काम करने के बाद कोई अपनी पोस्ट पर कैसा रह सकता है। मैं डिमांड करता हूँ यहाँ के चीफ मिनिस्टर से और मुल्क के प्रधानमंत्री से कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो संविधान के खिलाफ कोई काम करते हैं। आर्टिकल 25 इस बात की जमानत देता है कि हम किसी भी मजहब को इख्तियार करें, किसी भी मजहब की जो प्रीचिंग है उसकी जो तालीमात है उस पर अमल करें। मजहब इस्लाम में औरत के लिए पर्दा एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, ये फ़र्ज है। पर्दे को छोड़कर कोई लड़की या कोई औरत नहीं रह सकती। इसलिए ये जो काम हुआ है हम इसका भी खंडन करते हैं, इसके भी खिलाफ जो है ना एहतजाज होना चाहिए। और इस किस्म के जो भी जो है ना कार्य हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हाल ही में दो लड़कों को जो है ना मोहब्लिचिक में भी मारा गया जिसमें से एक बच्चा शहीद हो गया। यह सिलसिला ये आखिर कब बंद होगा? मैं हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि ये तमाम मामला ख़त्म होनी चाहिए। जो 70 साल वर्कर जो हुकूमत में आए, 7 साल में देश की अवाम इनसे बेजार आ चुकी है। अगर आज इलेक्शन होते हैं तो कल जो है ना मोदी भी जो है ना सेंटर से हट सकते हैं। मैं इन तमाम बातों के साथ यहाँ पर आने वाले तमाम लोगों का भी जो है ना शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक आवाज़ पर आए। तमाम पत्रकारों का और तमाम पुलिस वालों का, सभी का शुक्रिया अदा करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो संविधान विरोधी सरकार है, संविधान ने हर नागरिक को वोट का हक दिया है, वोट के जरिए वो हुकूमत में आए हैं, तो उनका ज़रूरी उनका फर्ज है कि वो संविधान के मुताबिक काम करें। इतना ही कहते हुए मैं मेमोरेंडम जनाब जो भी नुमाइंदे आए हैं डिप्टी कमिश्नर के बनकर उनको जो है ना मेमोरेंडम अरे आप आगे तुम्हें कैसा लगा? इधर ही है, इधर साहब आप उधर जाओ, आप उधर जाओ।